तो सरकार ये जान ले कि हम लोगों में भी सिद्धू कानू और बिरसा मुंडा जी का खून दौड़ रहा है, फिर हम उग्र आंदोलन पे उतर आएंगे। राज्य सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, राज्य सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। लैब असिस्टेंटों ने राजभवन के समक्ष विशाल धरना प्रदर्शन किया। हजारीबाग से भी कुछ लोग आए हुए हैं जो अपनी मांगों को लेकर नारों के साथ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि झारखंड बनने के बाद पहली बार जो लैब असिस्टेंट का वैकेंसी निकला है, इसमें कुछ विषय को लेकर उन्होंने चर्चा किया। आइए सुनते हैं। आज तो बस हम लोग रैली और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे हम यही चेतावनी देना चाहते हैं सरकार को, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं, जल्द से जल्द ये जो JSSC के माध्यम से विज्ञापन निकाला गया है PGT में, अगर इसको रद्द करके सभी विषयों को इसमें शामिल नहीं किया जाता है, तो सरकार ये जान ले कि हम लोगों में भी सिद्धू कानू और बिरसा मुंडा जी का खून दौड़ रहा है, फिर हम उग्र आंदोलन पर उतर आएंगे। और हम यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द सरकार जो है इस पर निर्णय ले और इस विज्ञापन को रद्द करके नए सिरे से विज्ञापन निकाला जाए और आवेदन प्रक्रिया जो है शुरू की जाए। जी, ये आज हमारा एक दिवसीय प्रदर्शन है। अगर आज सरकार इस पर कोई निर्णय नहीं लेती है, लिखित हम लोगों को कोई आश्वासन नहीं दिया जाता है, तो हम आगे उग्र आंदोलन के लिए तैयार हैं। जी, हमने पहुंचाया है उनके पास, हम सभी विधायकों से मिले हैं और शिक्षा मंत्री जी से भी हमारी मुलाकात हुई है। उन्होंने बस आश्वासन दिया कि हम पद सृजन कर रहे हैं, पद सृजित किए गए हैं, तो हम सृजन पे की बात नहीं कर रहे हैं सर। आपको ये विज्ञापन रद्द करना होगा और रद्द करके नए विज्ञापन निकाल करके जो है इसमें आवेदन प्रक्रिया शुरू करना होगा और सभी विषयों को इसमें शामिल करना होगा। जी, हमारी मांगे दोनों से हैं, मुख्यमंत्री जी से भी और हमारी जो शिक्षा मंत्री हैं और साथ ही जो स्कूली साक्षरता विभाग के सचिव हैं, शिक्षा सचिव श्री राजेश शर्मा जी से, उनसे भी हमारी ये गुजारिश है कि इसमें जो ये विज्ञापन निकाला गया है इसको रद्द कीजिए और रद्द करके सभी विषयों को इसमें शामिल करके नए सिरे से विज्ञापन प्रक्रिया शुरू की जाए। और नहीं माने तो फिर हम तैयार हैं आंदोलन के लिए। सरकार को हमें रोजगार देना ही होगा और सरकार इसके लिए तैयार रहे कि आगे हम उग्र आंदोलन करेंगे। हम लोग तीन मांगों को लेकर के आज यहाँ उपस्थित हुए हैं अनएम्प्लॉयड यूथ स्ट्रगल कमेटी की ओर से। आप जानते हैं कि JSSC के द्वारा दो नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इसमें एक है कि जो PGT शिक्षक, उसमें तमाम विषयों को शामिल करने का मांग हम लोग कर रहे हैं। सरकार संज्ञान ली है लेकिन अभी तक उसको नहीं शुरू किया गया है। दूसरा जो महत्वपूर्ण मांग है वो है कि आपका लैब असिस्टेंट जो वैकेंसी निकला है झारखंड बनने के बाद पहली बार, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, उसमें ऑनर्स के साथ साथ सब्सिडी को भी बाध्यतामूलक किया गया, जबकि सब्सिडी का पढ़ाई CBCS के तहत नहीं हो रहा है। जब आप पढ़ा नहीं रहे हैं तो उस विषय में 50% मांगना कहां तक जायज है? तो इसलिए ये इस जो नाजायज जो ये मांगा जा रहा है, हम लोग इसका विरोध करते हैं और हम लोग मांग करते हैं कि सिर्फ ऑनर्स को ही प्राथमिकता दिया जाए। जिस विषय में वो शिक्षक बनेंगे उसी विषय को प्राथमिकता दिया जाए और उसी विषय में ही पढ़ाई होता है तमाम विश्वविद्यालय में। इसीलिए हम लोग आपके माध्यम से सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि झारखंड के तमाम यूथ जो लोग तैयारी कर रहे हैं आज 20 सालों से और ये उम्मीद कर रहे हैं कि हम यहाँ का शिक्षक बनेंगे, झारखंड का रोजगार हम लोग को मिलेगा चूँकि हम झारखंडी हैं, तो इसको लेकर के हम लोग आज यहाँ उपस्थित हुए हैं और आपके माध्यम से हम सरकार तक ये बात कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारा जो जायज मांग है उसको पूरा करना होगा, अन्यथा आज जितना भी जो भी आंदोलन होगा इसका सारा जिम्मेदारी हेमंत सरकार को लेना होगा। इतना आक्रोश हम लोग झारखंड के युवाओं के अगर हित में नहीं, अगर झारखंड सरकार रहेगी तो हम लोग ऑब्वियसली जोश में आएंगे ही आएंगे। हम लोग चाहते हैं कि जो अभी जैसे JSSC के द्वारा जो अभी करेंटली जो विज्ञापन निकाला गया है लैब असिस्टेंट के लिए, उस लैब असिस्टेंट में जो है वो सिर्फ ऑनर्स की प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि ऑनर्स के साथ अभी क्या है कि जो CBCS सिस्टम आ गया है, CBCS सिस्टम के कारण अधिकांश जो हमारे यूनिवर्सिटी है झारखंड में वहाँ पर जो है सब्सिडी के रूप में उन लोगों को एक ही सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए मिलता है। तो या तो वो अगर फिजिक्स ऑनर्स के साथ में मैथ को सब्सिडी मिल सकता है या तो फिर केमिस्ट्री को ले सकता है। अगर वो मैथ्स को उसको लेना कंपलसरी पड़ जाता है, क्योंकि अगर वो मैथ नहीं लेते हैं वो तो TGT टीचर में जो है हाई स्कूल टीचर में वो उपस्थित नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हाई स्कूल में जो है डिमांड किया जाता है फिजिक्स के साथ मैथ।
साथ। तो इसीलिए अधिकांश जो स्टूडेंट जो है वो सब्सिडी के रूप में एक ही सब्जेक्ट लिया गया है और लैब असिस्टेंट में जो है वो डिमांड किया जाता है मैथ के साथ जो है वो केमिस्ट्री। और बहुत सारे स्टूडेंट अधिकांश स्टूडेंट का जो है वो क्या है कि फिजिक्स के साथ में उसका केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण वो लैब असिस्टेंट का फॉर्म फिलअप करने से वंचित रह जा रहे हैं अधिकांश स्टूडेंट। झारखंड के जितने भी सारे यूनिवर्सिटी है लगभग हर जगह जो है वो सब्सिडी में अब एक ही सब्जेक्ट। और सबसे पहली दूसरी बात है क्योंकि दोनों का जो है सिलेबस अभी जो है हमारा जो अभी करंटली दो चीज़ का वैकेंसी आया हुआ है, एक पीजीटी का और दूसरा लैब असिस्टेंट का। तो पीजीटी और लैब असिस्टेंट का जो है दोनों का सिलेबस एकदम टू कॉपी कर दिया गया है और एक का प्राथमिकता दिया गया है, एलिजिबिलिटी दिया गया है ग्रेजुएशन, और दूसरे का पीजीटी का दिया गया है पीजी। तो ऐसा क्यों पॉसिबल है? और एग्जाम जब सब आप लैब असिस्टेंट का जब एग्जाम जब सिर्फ आप एक सब्जेक्ट का लीजिएगा, ऑनर सब्जेक्ट का जल्दी आप ले रहे हैं, तो फिर सब्सिडी क्यों जरूरी है? अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।